नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्य और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ में ऐसे तो जाली नोट छापने के मामले तो पहले बहुत हुए। ऐसा ही एक मामला जिले के बमहोरी कला का सामने आया। रविवार को दिनांक 12/5/2024 को फरियादी गौरीशंकर अहिरवार निवासी भगवंतपुरा द्वारा थाना बमहोरी कला में रिपोर्ट की गई कि ग्राम के ही दो लड़के देवेंद्र कुशवाहा रूपेंद्र अहिरवार के द्वारा उसे 1100 के नकली नोट देकर किराने का सामान खरीद कर उसके साथ ठगी की गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बमहोरी कला में अपराध क्रमांक 94/2 धारा 479B 34 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर प्रमोद वर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर ललित शाकिवार, पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी के द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में उक्त घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए बमहोरी कला पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु साइबर सेल का उपयोग करते हुए आरोपी देवेंद्र कुशवाहा निवासी भगवंतपुर को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर नकली नोट पुलिस को जब्त कराए एवं अन्य आरोपी रुपेंद्र को गिरफ्तार कर नकली नोट जब्त किए गए। दोनों के द्वारा बताया गया कि ग्राम लुहर गुवा थाना जेरोन जिला निवाड़ी का रहने वाला राकेश कुशवाहा नकली नोट छापता है, जिस पर से टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा निवाड़ी पुलिस का सहयोग लेकर आरोपी राकेश कुशवाहा निवासी लोहर गुवा को उसके घर से गिरफ्तार किया एवं उसके कब्जे से नकली नोट तैयार करने वाला प्रिंटर एवं 100 रुपये एवं 200 रुपये के नकली नोट जब्त किए। तरीकाए वारदात मुख्य आरोपी राकेश कुशवाहा निवासी लोहर गुवा थाना जेरोन का मुखिया कियोस्क बैंकिंग एवं फोटोकॉपी आदि करने का काम करता था, जिसके द्वारा नए भारतीय करेंसी नोट को लेकर प्रिंटर से फोटोकॉपी कर भारतीय नोटों की फोटोकॉपी तैयार की जाती थी एवं नोटों को खपाने के लिए आधे दाम पर लोगों को उक्त नोट बेच देता था। जब्त मशरू का तीनों आरोपियों से कुल 22,100 रुपये के नकली नोट एवं एक कैप्सन कंपनी का 10,000 रुपये का प्रिंटर जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी राकेश पिता सीताराम कुशवाहा निवासी लोहार गुवा थाना जेरोन जिला निवाड़ी, देवेंद्र पिता राजू कुशवाहा निवासी भगवंतपुरा थाना बमहोरी कला जिला टीकमगढ़, रुपेंद्र पिता जमुना अहिरवार निवासी अनंतपुरा थाना बमहोरी कला जिला टीकमगढ़। प्रशंसनीय भूमिका उक्त कथन में थियोलॉजिकल सेल के प्रभारी बमहोरी कला नितेश जैन, साइबर सेल के प्रभारी NI आकाश रुसिया, PRR रहमान, साइबर सेल PRR अमर प्रताप, आर संगम नायक, आर मोहित शर्मा, आर धनराज और आर जयकांत आर रामप्रकाश की भूमिका रही। निवाड़ी पुलिस से थाना प्रभारी पृथ्वीपुर पंकज मुद्गल, उनके स्टाफ एवं चौकी प्रभारी लोहरगुवा सिद्धार्थ गौतम एवं उनके स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। टीकमगढ़ से कमल राजपूत की रिपोर्ट। नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 100 रुपये के और 200 रुपये के नकली नोट जब्त किए गए हैं, जो कुल मशरू का 22,010 रुपये है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयोग होने वाला एक प्रिंटर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीबन 10,000 रुपये है। उक्त तीनों आरोपियों, जिनके नाम राकेश कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा और रूपेंद्र अहिरवार हैं, तीनों को गिरफ्तार करके माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, टोटल आरोपियों ने बताया कि वो कितनी नकली नोटों को उन्होंने अभी तक छाप इन्होंने बताया जो नकली नोट छापे थे वो इसके कब्जे से जब्त हो चुके हैं। इसका ये भी कहना है कि इसने आज से करीबन एक वर्ष पूर्व ये नकली नोट छापे थे। एक साल से लगातार छाप रहे थे? लगातार नहीं छापे थे, इसका कहना है एक बार छापे थे उसके बाद नहीं छापे, ऐसा इसने स्वीकार किया है। विवेचना और अभी जारी है, विवेचना में हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर और भी तथ्य आएंगे या उनका और कोई संगी साथी होगा जो ये काम कर रहा होगा उसके आधार पर भी वैधानिक कार्रवाई की। ये जो प्रिंटर आपने जब्त किया है जी, कब खरीदा था, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली और पूछताछ की जाएगी। नोट छापने में कौन सा कागज इस्तेमाल किया गया? नॉर्मल A4 साइज, उस समय A4 की बजाय कुछ और पेपर जो आता था, जैसा मैंने बताया आज से एक साल पूर्व करीबन इसने छापे हैं, उसका कुछ साइज वो अपनी भाषा में 80G बताता है, 80GSM बताता है। ये नॉर्मल कागज है, नॉर्मल फोटोकॉपी दुकान पर अवेलेबल है। और ये जो इसका मुख्य आरोपी है जो छापता था, जिसका नाम राकेश कुशवाहा है, इसके और भी अपराध हैं। थाना जरौन जिला निवाड़ी में इस पर 2020 में एक अपराध दर्ज है, 188, 269, 270 IPC का। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 में 354 का 7/8 पॉक्सो एक्ट का मामला भी इस पर पंजीकृत है, थाना जरौन जिला निवाड़ी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।